नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइगर तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नारंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने भूगोल की क्लास में। उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे, चुनौती को स्वीकार किए होंगे। सुपर टेट की एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा आने वाली है जिसमें आपको अध्यापक बनाया जाता है। अभी ऐसा था उत्तर प्रदेश में कि 4000 एडेड स्कूलों में और 26000 वैकेंसी जो है वो प्राइमरी में आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा भी सुनने में आया है कि जो 4000 वैकेंसी है उस पर अभी रोक लगा दी गई है। तो लेकिन 26000 जो वैकेंसी है प्राइमरी की वो निश्चित रूप से आ रही है, ठीक ना। तो उसी वैकेंसी में एक पद आपको दिलाने के लिए हमारी टीम के द्वारा, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है ऑनलाइन। और इस बैच में आपको इलाहाबाद के विषय विशेषज्ञ रवि सर और आलोक सर के कुशल निर्देशन में पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराएंगे। इतिहास गवाह इस बात का कि हम लोग जो कहते हैं वो करते जरूर हैं, और हमने जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी देख रहे हैं, जिन्होंने हमसे टेट के बैच में पढ़ाई की है, वो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ मेहनत की गई थी। तो आइएगा बैच स्टार्ट करते हैं एक सुपर टेट के लिए। और इस बैच में प्रवेश लेने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पहले समझ लीजिएगा। प्रक्रिया ये है, केवल 9125423936 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एसटेट एंट्री लिखकर सेंड कर देना है। हमारे काउंसलर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी की सारी जानकारी देंगे और आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको भूगोल और भूगोल के साथ साथ पर्यावरण पढ़ाऊंगा। तो भूगोल में अगर बात करें तो हमने अभी एक टॉपिक उठाया था अक्षांश और देशांतर, जिसके दो वीडियो आपको मिले होंगे और शायद आपने दोनों वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी की सारी चीजों को समझा होगा। आज उसी के आगे कदम बढ़ते हैं और उसी के आगे एक नया टॉपिक हमारे पास, और टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गति को समझेंगे हम। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है और दूसरी गति पृथ्वी की परिक्रमण। पृथ्वी जो है जब वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमने की गति को घूर्णन गति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास यहां पर ग्लोब है, ये मेरे पास एक ग्लोब है, ये पृथ्वी आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये इसका अक्ष होता है, इसका अक्ष होता है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहा जाता है, ठीक ना। पृथ्वी ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर घूमती जाएगी, किस दर से घूमती है हम ये भी बता देंगे आपको, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, समझिएगा हमारी बातों को। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर गति करना पृथ्वी की कौन सी गति कहलाती है, पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है, ठीक ना। तो अगर हम घूर्णन गति की डेफिनेशन लिखते हैं तो पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना घूर्णन गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है, ठीक ना। इतनी बात याद रखना, जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वैसे वैसे और दिन और रात में परिवर्तन होते हैं, और दिन और रात में परिवर्तन होने के कारण ही इस घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। घूर्णन गति को, जिसको हम रोटेशन मोशन बोलते हैं, इसको हम दैनिक गति के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? दैनिक गति। कैसे होता है आइए आपको समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा आपकी ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, और यहां पर आपका सूर्य है, यहां पर आपका सन है, यहां पर आपका सूर्य है। सूर्य के द्वारा यहां पर प्रकाश आएगा, जब सूर्य के द्वारा पृथ्वी के ए पॉइंट पर या पृथ्वी के ए भाग पर जब प्रकाश आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डे हो जाएगा। और इसके विपरीत बी वाले भाग में क्या हो जाएगी, तो बी वाले भाग में यहां पर नाइट हो जाएगी। इस बात क्लियर है? अब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब गति करेगी तो पृथ्वी घूमते घूमते ऐसी हो जाएगी कि ये जो बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट आगे आ जाएगा, और ए वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, ए वाला पॉइंट पीछे चला जाएगा। अगर फिर से हम यहां पर सूर्य बनाए तो अब सूर्य का प्रकाश यहां पर आएगा, यानी बी वाले पॉइंट में आएगा, तो बी वाले पार्ट में ए डे हो जाएगा,
और ए वाले भाग में क्या हो जाएगी, ए वाले भाग में आपकी नाइट हो जाएगी। चलिएगा, ग्लोब है हमारे पास, हम ग्लोब पर समझ लेते हैं। चलिएगा, मान लीजिएगा यहां पर हम भारत का मानचित्र से समझा देते, ए इतना बड़ा आपको, ये हमारा भारत महान है, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, देखिएगा ठीक ना, ये हमारा भारत है। तो मान लीजिएगा यहां पर सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा प्रकाश भारत में पड़ा, तो भारत में दिन, जबकि भारत के पीछे जो भी राज्य होंगे या जो भी देश हैं उनमें होगी रात। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करती जाएगी वैसे वैसे सुबह से दोपहर और दोपहर से रात होती जाएगी। तो अब भारत यहां पीछे पहुंच गया, भारत में रात हो गई, और भारत के विपरीत इस वाले भाग में यूएसए में यहां पर क्या हो गया, यहां पर रात दिन हो गया ठीक ना। तो दिन और रात इस प्रकार होते जाएंगे, जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा जिस बिंदु पर या जिस पार्ट में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पर दिन हो जाएगा, और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा या दिन के विपरीत वाले भाग में क्या हो जाएगी, वहां पर नाइट हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गति है जिसके कारण दिन और रात में परिवर्तन होते हैं, तो कौन सी गति है आपकी, घूर्णन गति होती है ठीक ना। और घूर्णन गति के द्वारा दिन और रात में परिवर्तन होंगे, इसलिए इसे दैनिक गति। अगर हम बात करें कि घूर्णन गति या दैनिक गति कितने समय की होती है, तो घूर्णन गति या दैनिक गति जो होती है वो 24 घंटे की होती है। एक्चुअल में 24 घंटे नहीं होता, 23 घंटे 52 मिनट होता है, लेकिन आपको 24 घंटे ही याद रखना है। भाई एक दिन कितने का होता है, 24 घंटे का होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है ठीक ना। एक्चुअल जो टाइम होता है वो 23 घंटे 52 मिनट होता है ठीक ना। आइएगा दूसरी गति हमारी परिक्रमण गति। कभी मंदिर वगैरह आप गए होंगे और मंदिर में आपने ऐसा देखा होगा कि बीच में प्रभु हैं, यानी बीच में यहां पर मान लीजिएगा कोई शिवलिंग है, मान लीजिएगा ऐसे कोई मान लीजिएगा पिंडी है यहां पर ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रभु के, भगवान के, शंकर जी के चारों ओर जब हम चक्कर लगा रहे होते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, हम भगवान का क्या कर रहे हैं, प्रभु का क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, हम ईश्वर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक शब्द आया हमारे पास परिक्रमा। अब यहां पर बीच में प्रभु नहीं, हमारे शिव जी नहीं है, बल्कि यहां पर सूर्य है, क्या है, सन है, और पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को परिक्रमण गति कहा जाता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमने की गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। क्लियर है, तो हम यहां पर लिखेंगे परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है, मैं अभी समझाऊंगा आपको, पृथ्वी जब सूर्य का पूरा एक परिक्रमा पूरा कर लेती है तो एक वर्ष हो जाता है, और एक वर्ष होने के कारण ही इस परिक्रमण गति को एक नाम दे दिया जाता है, और परिक्रमण गति को एक नाम दे दिया जाता है वार्षिक गति। क्या नाम दिया जाता है इसको, इसको एक नाम दे दिया जाता है, और इसको क्या नाम दे दिया जाता है, वार्षिक गति। अगर आपसे पूछा जाए वार्षिक, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की किस गति के कारण वर्ष में परिवर्तन होते हैं, तो पृथ्वी की जिस गति के कारण वर्ष में परिवर्तन होते हैं उसको परिक्रमण गति कहा जाता है ठीक ना। अब अगर हम बात करें कि परिक्रमण, एक परिक्रमण करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो एक वर्ष, कितना समय लगता है, एक वर्ष का समय लगता है। और एक वर्ष के लिए याद रखिएगा, एक वर्ष जो होता है वो 365 दिन प्लस 6 घंटे का होता है। एक वर्ष जो होता है वो कितने का होता है, 365 दिन प्लस 6 घंटे का होता है, या इसी को 365 दिन प्लस 6 घंटे को हम 365 सही 1/4 दिन भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 365 सही 1/4 दिन। भाई 1/4 दिन का मतलब कितना, तो 1/4 24 घंटे का दिन होता है, और 24 का 1/4 निकालेंगे तो कितना घंटे आएगा, 6 घंटे ठीक ना। लेकिन एक्चुअल में हम मानते कितना है, हम मानते हैं 365 का। फिर से दूसरा वर्ष आएगा, और जो दूसरा वर्ष होगा ये भी कितना होगा, 365 दिन प्लस 6 घंटे का, लेकिन हम मानेंगे कितना, 365 का। तीसरा वर्ष आएगा, ये भी कितना होगा, 365 का, हम मानेंगे कितना, 365 का मानेंगे, दिन कितने का होगा, 365 दिन प्लस 6 घंटे का होगा वर्ष। लेकिन जैसे ही चौथा वर्ष आ जाएगा, तो चौथा वर्ष भी हमारा 365 दिन
प्लस 6 घंटे का होगा, और हम यहां क्या करते हैं 6 घंटे पहले वर्ष के, 6 घंटे दूसरे वर्ष के, 6 घंटे तीसरे वर्ष के और 6 घंटे चौथे वर्ष के, तो 6 गुणा 4 यानी 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का मतलब हो जाता है एक दिन, और इस एक दिन को चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं तो जो चौथा वर्ष है वो कितने दिन का हो जाता है, वो हो जाता है 366 दिन, और इसी 366 दिन को हम क्या नाम दे देते हैं लीप वर्ष। क्या नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है लीप वर्ष, ठीक ना, चलेगा। अब परिक्रमण या वार्षिक गति के द्वारा ही ऋतु में परिवर्तन होता है, कैसे होता है हम अभी आपको समझा देंगे। परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होता है, और ऋतु में परिवर्तन होने के कारण इस गति को ऋतु गति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। आइएगा किस प्रकार चीजें हो रही है समझ लेते हैं, ठीक ना। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है, देखिएगा समझिएगा। यहां पर हमारा सूर्य है और यहां पर हमारी पृथ्वी है, यहां पर ऐसे पृथ्वी है इस प्रकार, ठीक ना। ये 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर के साथ साथ यहां पर 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री, यहां पर पृथ्वी है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा लगाते लगाते पृथ्वी यहां पहुंचेगी ऊपर, और पृथ्वी जब यहां पहुंचेगी तो ऐसे हो जाएगी इस प्रकार से, 0 डिग्री है, ए भी 0 डिग्री, फिर से यहां से ऐसे परिक्रमा लगाते लगाते इस प्रकार से परिक्रमा लगाते लगाते पृथ्वी यहां पर आ जाएगी, पृथ्वी यहां पर आ जाएगी ऐसे, फिर यहां से ऐसा परिक्रमा लगाते लगाते पृथ्वी यहां पर आ जाती है, ए 0 डिग्री है, ए 0 डिग्री, ठीक ना। देखिएगा समझिएगा अच्छे से बातों को। यहां पर हमारा सन है, सूर्य है, सूर्य के द्वारा अगर हम इसको देखें तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। पहले हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे मिला देते हैं, आपको समझना है ऐसे, ठीक ना। लगभग लगभग दीर्घवृत्ताकार मार्ग की बात हो रही है। चलिए देखिएगा, ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है। होता क्या है, अगर इस हम डेट की बात करें तो यहां पर 22 दिसंबर को है पृथ्वी। कब है यहां पर, यहां पर 22 दिसंबर की बात हो रही है, और 22 दिसंबर को होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। सूर्य की किरण कहां पड़ती है, तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी तो इसको एक नाम दे देते हैं हम, और इसको एक नाम दे देते हैं दक्षिणायन। क्या नाम दे देते हैं इसको, इसको एक नाम दे दिया जाता है, नाम दिया जाता है दक्षिणायन। अब दिसंबर के बाद पृथ्वी जनवरी में यहां आएगी, फरवरी में या मार्च में यहां जाती है, कहीं कहीं पर 22 मार्च लिखा रहता है और कहीं कहीं पर 23 मार्च, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं 22 या 23 मार्च, ठीक ना। इस डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पर 22 भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर 23, ठीक ना। तो 22 मार्च एक्चुअल है। यहां पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती हैं, और विषुवत रेखा पर सीधा पड़ने के कारण इसको एक नाम दे दिया जाता है, और इसको नाम दे दिया जाता है विषुव, इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक ना, उसको दक्षिणायन बोलेंगे, ठीक ना, समर सॉल्वेंट बोलते हैं, और यहां पर अभी आएगा, ठीक ना। यहां पर अगर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, और यहां पर सूर्य की किरणें उत्तर में पड़ती हैं इस प्रकार, और यहां जो सूर्य की किरणें आती हैं वो 21 जून को आती हैं, और 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, इसलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है उत्तरायण। इसी को मकर संक्रांति भी कहा जाता है, दक्षिणायन को मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति का मतलब ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है, कर्क या मकर, तो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा होती है मकर, और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है कर्क रेखा। जब मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो हम उसको कह देते हैं दक्षिणायन यानी मकर संक्रांति, और जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है, इसको एक नाम दे दिया जाता है कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। अब होगा क्या, जून के बाद जुलाई में सूर्य की किरणें यहां, अगस्त में यहां, और सितंबर में सूर्य की किरणें यहां पहुंचती हैं 23 सितंबर को, कितने तारीख को,
23 सितंबर को सूर्य की किरणें यहां पहुंच जाती हैं और फिर से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, फिर से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी एक नाम दे दिया जाता है विषुव। तो वर्ष में दो बार विषुव आता है, ऐसा क्यों होता है हम समझा देंगे आपको, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है ये देखिएगा, ये समझिएगा, चलिएगा। मान लीजिएगा हम पृथ्वी को ऐसा बना ले रहे हैं समझाने के लिए आपको, ठीक ना। मान लीजिएगा ये पृथ्वी है इस प्रकार हमारी, यहां पर एक रेखा है 0 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है यहां पर कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में एक दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा होती है मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा होती है मकर रेखा। होता क्या है बाबू के 22 दिसंबर को सूर्य की किरण यहां पर है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरण है मकर रेखा पर है। दिसंबर के बाद जनवरी में सूर्य की किरण यहां पर आती है, फरवरी में यहां, और 22 मार्च को सूर्य की किरण पहुंच जाती है विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरण पहुंचती है तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इसी को हम नाम दे देते हैं विषुव। अच्छे समझिएगा, मार्च के बाद सूर्य की किरण अप्रैल में यहां पहुंचेंगी, जून में यहां पहुंचेंगी, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल में यहां, मई में यहां, और जून 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पहुंच जाती हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें आ जाती हैं कर्क रेखा पर। कहां पर आ जाती हैं, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें आ जाएंगी, तो इसी को हम कर्क संक्रांति कह देते हैं, या कर्क संक्रांति के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें उत्तरायण बोल देते हैं। 21 जून के बाद जुलाई में सूर्य की किरणें यहां पर आ जाती हैं, जुलाई के बाद अगस्त में यहां, और सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां जाती हैं, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर आ जाती हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में यहां, नवंबर में यहां, और दिसंबर में फिर से सूर्य की किरणें मकर रेखा पर आ जाएंगी, और इसको एक नाम दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाता मकर संक्रांति। अब बताइएगा दो बार विषुव क्यों हुआ, क्योंकि एक बार जब सूर्य की किरणें जाती हैं तब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और दूसरी बार लौटते हुए भी सूर्य की किरणें कहां पड़ जाती हैं, तो लौटते हुए भी सूर्य की किरणें कहां पड़ जाती है, विषुवत रेखा पर। इसलिए एक वर्ष में दो विषुव हो जाते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा, चलिएगा, मैं इसी डायग्राम को यहीं पर, उस डायग्राम को छोड़िएगा, वहां पर मैंने जो चीजें समझानी थी मैंने समझा दी। अब पहले मैं यहां समझाऊंगा फिर वहां चलूंगा, ठीक ना। समझिएगा, अब हम एक एक से इन डेटों की बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 22 दिसंबर, तो अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को किस नाम से जाना जाएगा, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति या दक्षिणायन कहा जाता है, मकर संक्रांति या इसी को दक्षिणायन कहते हैं। अब बताइएगा आप लोग, 22 दिसंबर को एक सिक्के के मैंने दो पहलू बनाए, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, एक मैंने उत्तरी गोलार्ध बनाया और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। बताइएगा 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, और मकर रेखा किस गोलार्ध में होती है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है। पूरे ब्रह्मांड में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या, तो पूरे ब्रह्मांड में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य, तो सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी या सर्दी, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी। अच्छे समझिएगा, जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी होगी, लेकिन इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक जगह सर्दी है तो दूसरी जगह गर्मी होगी, तो उत्तर में क्या हो जाएगी, इस समय 22 दिसंबर के समय उत्तर में क्या हो जाएगी, उत्तर में हो जाएगी सर्दी, ठीक ना। चलिएगा, किसी एक ऐसे देश का नाम बताइएगा जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में हो। एक अभी बहुत ज्यादा फेमस है, इसी का हम नाम लिख ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इसी का हम नाम लिख ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। और आप देख लीजिएगा वर्तमान समय में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य में टेस्ट हो रहा है, न्यूजीलैंड में सॉरी मैच हो रहे हैं, ट्रॉफी चल रही है, अभी T20 हो रहा था, उसके बाद वनडे होगा। तो आप देख लीजिएगा वहां पर इस समय गर्मी होगी, और उसके विपरीत हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर की बात हो रही है, और उत्तरी गोलार्ध में है, तो जब 22 दिसंबर को
ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहेगी तो हमारे यहां क्या रहेगी, हमारे यहां सर्दी। ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में आग लगने का एक कारण तापमान का अधिक होना भी बताया गया, तापमान का अधिक होना भी एक कारण बताया गया। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई। अगला समझिएगा, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक अगर दिन है तो दूसरा रात है। मैंने बताया दैनिक गति, यहां पर दैनिक गति को भी हम यूज करेंगे। अगर एक सिक्के के दो पहलू, एक दिन है तो दूसरा रात है, और बताइएगा डे और नाइट कितने समय के होते हैं, तो डे और नाइट का समय जो होता है वो 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, मतलब 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन। तो 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन को जोड़ लीजिएगा तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 24। ठीक ना, अगर मैं कहूं कि दिन 12 घंटे 30 मिनट का है तो रात अपने आप 11 घंटे 30 मिनट की हो जाएगी भाई, तभी तो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, दोनों का जोड़ 24 आना चाहिए। ठीक ना, तो अगर मैं ऐसा कहूं मतलब अगर दिन के समय में वृद्धि होगी तो रात का समय अपने आप क्या हो जाएगा, रात का समय अपने आप कम हो जाएगा। बात यह है, तो अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, इतनी बात है, और अगर रात छोटी होगी तो दिन बड़ा होगा। ठीक है, अब बताएं एक सिक्के के दो पहलू, एक अगर डे है तो दूसरा नाइट है, एक डे है तो दूसरा नाइट है। बताएं गर्मियों के दिन बड़े होते हैं या सर्दियों के दिन बड़े होते हैं, तो दिन गर्मियों के बड़े होते हैं। तो यदि गर्मी गर्मी का दिन बड़ा हो गया तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी, और अगर गर्मी के दिन बड़े हो गए तो सर्दियों की रातें बड़ी हो जाएंगी, दिन अपने आप छोटे हो जाएंगे। बताइएगा लॉजिक समझ पाए, लॉजिक समझ पाए, तरीका पसंद आ रहा है ना, जरूर बताइएगा। और जो पिछले स्टूडेंट देखिएगा, आप जितना आप टीचर को जितना उसकी बातों से अवगत कराएंगे, आप टीचर का जितना मनोबल बढ़ाएंगे उतना टीचर आपके लिए अच्छा कार्य करेगा। ये बिल्कुल सत्य बात होती है, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ता है, कोई भी होता है। हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सर आप बहुत अच्छे हैं, ये मैं जानता हूं। ठीक ना, ये मैं जानता हूं कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं, बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए, बकाया सारी चीजें होती रहेंगी। ठीक ना, चलिएगा। तो मैंने बताया अगर दिन बड़ा है तो रात छोटी होती है, और रात छोटी है तो दिन बड़ा होता है। आप देख लीजिएगा 22 दिसंबर, याद है ना, ठंडी रहती है 22 दिसंबर को अच्छी खासी, रात बहुत लंबी होती है और दिन का पता ही नहीं चलता। हमारा सुबह ही 10 बजे होती है, ठंडियों में सुबह हमारी 10 बजे होती है, 4 बजे फिर से रात हो जाती है हमारे लिए। तो ठीक ना, तो अगर आपसे पूछा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है, वो क्वेश्चन समझिएगा, फॉर्मेट समझिएगा, कहता 22 दिसंबर को बताइएगा, 22 दिसंबर को या ऐसे पूछ लेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप मैं बता रहा हूं आप पकड़ लीजिएगा। उसने कहा 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात, लंबी रात, और लंबी रात कब होती है, सर्दियों में, और सर्दी 22 दिसंबर को कहां होगी, 22 दिसंबर को सर्दी होगी उत्तरी गोलार्ध में। देख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में रात क्या होंगी, लंबी। ठीक है ना, इस प्रकार से बस आपको एक चीज याद रखनी है कि गर्मियों के दिन बड़े और सर्दियों के दिन छोटे, बस हो जाएगी बात, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसी का विपरीत देखते हैं, इसी का विपरीत देख लेते हैं, 21 जून को देखते हैं। 21 जून अगर हम 21 जून की बात करें तो 21 जून को सूर्य की किरण है, 21 जून को सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, इसलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है, इसको नाम दे दिया जाता है उत्तरायण। और हम एक सिक्के के दो पहलू बनाते हैं, एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा क्या है, तो दूसरा साउथ है, अगर एक उत्तर है तो दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका दक्षिण है। समझिएगा, अब 21 जून को सूर्य की किरण कहां पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी। चलिए बताएं उत्तरी गोलार्ध में कौन सा देश है, उत्तरी गोलार्ध में भारत है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक ना, चलिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक डे है तो दूसरा नाइट है, अगर एक डे है तो दूसरा नाइट है। बताएं गर्मियों में दिन क्या होते हैं, बड़े, तो गर्मी भारत में तो दिन बड़ा तो रात अपने आप छोटी, और सर्दियों के दिन छोटे तो रात अपने आप बड़ी। ठीक ना, लीजिएगा आपके पास एक बढ़िया सा हमने फॉर्मेट बना के आपको समझा दिया। आई होप हम अपनी सारी की सारी बातें आपको समझा पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर बताइएगा अगर कोई समस्या हो, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलेगा, ये तो दो डेटें होंगी हमारी, 21 जून और 22 दिसंबर। अब एक डेट और बचती है हमारे पास, 22 दिसंबर
और 23 सितंबर, तो 22 मार्च और 23 सितंबर अगर इन दोनों डेटों की बात करें तो इस समय सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। आइएगा इसको भी समझा देते हैं हम आपको। देखिएगा हम बात कब की कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 22 मार्च एवं 23 सितंबर की बात आपसे की जा रही है बाबू, 22 मार्च एवं 23 सितंबर की आपसे बात की जा रही है। समझिएगा अच्छे से बात, ठीक ना, अच्छे से बात समझिएगा। 22 मार्च और 23 सितंबर की आपसे बात की जा रही है। इस समय जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कहां पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइएगा विषुवत रेखा कहां है, तो विषुवत रेखा बिल्कुल बीचों बीच में होती है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं तो जितनी ऊष्मा एक्स में मतलब उत्तरी गोलार्ध में जा रही होगी उतनी ऊष्मा कहां जा रही होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब कहने का यह है कि 22 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी तो विषुवत रेखा बिल्कुल बीच में, तो जितनी ऊष्मा उत्तरी गोलार्ध में जाएगी उतनी ही ऊष्मा दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी। मतलब दोनों गोलार्धों में 22 मार्च और 23 सितंबर को एक समान ऊष्मा पहुंचती है, ऊष्मा की एक समान मात्रा पहुंचती है, इसलिए इन दोनों समय एक समान मौसम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक समान मौसम कहां पर, दोनों गोलार्धों में, ना अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी। आपके पास देख लीजिएगा अभी जनवरी है और फरवरी स्टार्ट हो गया है, फरवरी आप देख लीजिएगा, मार्च आएगा तो 22 मार्च के आसपास देखिएगा ना आपको अधिक गर्मी लगेगी और ना ही आपको अधिक सर्दी लगेगी, एकदम सुहाना सा मौसम होता है, ठीक ना। अब चलिएगा एक समान मौसम दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध में ठीक ना। अब अगला देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें कि सर 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होगी, तो चूंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं दोनों समान, दोनों गोलार्धों में एक समान ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है, तो दिन और रात की अवधि यहां पर बराबर होती है। पूरे वर्ष में केवल 2 दिन ऐसे होते हैं 22 मार्च और 23 सितंबर जब दिन और रात की अवधि जो है, डे और नाइट की जो अवधि है वो कितनी होती है, 12-12 घंटे यानी 12-12 घंटे यानी 24 घंटे होती है। दिन और रात कितने घंटे के होते हैं, 24, मतलब डे बराबर नाइट बराबर कितना हावर्स, तो 12 हावर्स, ठीक है। इतनी सी केवल बात है, हो गई बात, चलेगा। अब आइएगा, इतनी सारी चीज समझ गए होंगे आप लोग, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले डायग्राम को देखिएगा, यहां देखिएगा जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगे तो दक्षिण में गर्मी उत्तर में सर्दी, और जब इसके विपरीत 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तर में पड़ेंगे तो उत्तर में सर्दी और दक्षिण सॉरी उत्तर में गर्मी और दक्षिण में सर्दी और विषुव हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा मैं यहां पर कुछ और चीज आपको एक्स्ट्रा चीजें समझा रहा हूं, इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। चलेगा ए वाला पॉइंट बताइएगा, ये कौन है ऊपर वाला, ए नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है। क्या है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला क्या होता है, अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहे हैं आपको। ऊपर वाला क्या है, ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला क्या है, ये साउथ पोल है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, गलती कर बैठेंगे आप ठीक ना, गलती कर बैठेंगे, उस गलती को ना हो पाए इसलिए हम आपके साथ हैं, अच्छे समझिएगा हमारी बातों को। आपने ये बात सुनी होगी कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और अभी मैंने आपको बताया था कि दिन और रात का होना किस गति का कारण होता है, दैनिक गति का। आपसे वो पूछेगा ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, यह पृथ्वी की किस गति के कारण होती है, तो ये कन्फर्म है, आप दैनिक गति या घूर्णन गति लगाकर आएंगे गलत हो जाएगा। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात परिक्रमण गति के कारण होती, कौन सी गति कारण होती है, परिक्रमण गति कारण होती है। कैसे होती है, आइए समझाते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि ऊपर वाला ये उत्तर ध्रुव है, नीचे वाला दक्षिण ध्रुव है, कब की बात हो रही, 22 मार्च, सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है यानी दक्षिण ध्रुव पर भी पड़ रही होंगी, तो दक्षिण ध्रुव पर यहां पर डे हो जाएगा और सूर्य की किरण उत्तर ध्रुव पर नहीं पड़ रही है तो उत्तर ध्रुव पर नाइट हो जाएगी, ठीक है ना। अब
दिसंबर के बाद जनवरी में पृथ्वी यहां, फरवरी में यहां, मार्च में यहां, अप्रैल में यहां, मई में यहां, जून, जून में जब पृथ्वी यहां पर आती है, जून में जब पृथ्वी यहां पर आती है तो यहां पर हम फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना देते हैं। ए वाला है नॉर्थ पोल और ए वाला है क्या, ए वाला है साउथ पोल। अब सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही हैं या उत्तरी गोलार्ध में। तो अब जो जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो उत्तरी ध्रुव पर अब क्या हो जाएगा, डे, और दक्षिण ध्रुव पर क्या हो जाएगी, नाइट। उत्तर ध्रुव पर क्या हो जाएगा, डे, और दक्षिण ध्रुव पर क्या हो जाएगी, दक्षिण ध्रुव पर हो जाएगी नाइट। ठीक ना, उत्तर ध्रुव पर डे और दक्षिण ध्रुव पर नाइट। यहां पर और यहां पर आते आते यहां पर पृथ्वी की कंडीशन ऐसी है, पृथ्वी इस प्रकार से है, यहां पर पृथ्वी इस प्रकार से है, और घूर्णन करते 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 जब पृथ्वी यहां पर आती है तो इस प्रकार हो जाती है। मतलब एक बार उत्तर ध्रुव सूर्य के सामने आता है और एक बार दक्षिण ध्रुव सूर्य के सामने आता है, और उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव सूर्य के सम्मुख आने में 6 महीने की अवधि ले लेते हैं। दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून। अब देख लीजिएगा 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक की जो समय अवधि है वो लगभग लगभग 6 माह होगी। तो 6 महीने में या 6 माह में एक बार उत्तर ध्रुव सूर्य के सम्मुख आएगा, एक बार दक्षिण ध्रुव सूर्य के सम्मुख आता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन रहेगा और 6 महीने की क्या रहती है, 6 महीने की रात रहती है। बोलिएगा सारी बात क्लियर है, आगे आइएगा। यहां देखिएगा दिसंबर में पृथ्वी यहां पर है, जनवरी में पृथ्वी यहां पर आ जाती है। मान लीजिएगा जनवरी में पृथ्वी यहां पर है, तो जनवरी में पृथ्वी यहां पर आ जाती है, 3 जनवरी की बात हो रही है, 3 जनवरी। 3 जनवरी को जब पृथ्वी यहां पर आती है तो इस घटना को एक नाम दे दिया जाता है, इस घटना को एक नाम दे दिया जाता है उपसौर। क्या नाम दे दिया जाता है, उपसौर। उसके बाद जून के बाद यहां पर जुलाई आता है, जुलाई, और जुलाई में पृथ्वी यहां पर आ जाती है 4 जुलाई को। कितनी जुलाई को, 4 जुलाई को पृथ्वी यहां पर आ जाती है, और 4 जुलाई की घटना को यहां पर एक नाम दे दिया जाता है, और 4 जुलाई की घटना को यहां पर नाम क्या दे दिया जाता है, अपसौर। मतलब एक उपसौर है और एक अपसौर है, एपीहिलियन, एपीहिलियन और पेरिहिलियन। ठीक ना, चलिए होता क्या है उपसौर, अपसौर। उपसौर जो होता है 3 जनवरी को उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप। और उपसौर में क्या होता है, उपसौर में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होती है, एक बार पास में होती है, अत्यधिक समीप होती है, और एक बार होती है दूर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है बाबू, ऐसा इसलिए होता है, तो डायग्राम थोड़ा मुझसे सही नहीं बन पाया। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी जिस मार्ग में परिक्रमा करती है सूर्य की, वह मार्ग लगभग लगभग दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है, और दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सेंटर से एक पॉइंट पास में होगा और एक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट दूर होता है। तो पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करने के कारण ही एक बार पृथ्वी सूर्य के पास में आती है और एक बार पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। ठीक ना, अब देखिएगा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइएगा, कि अगर पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप है, और अभी अभी मैंने बताया था कि ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, तो यदि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप है तो अधिक मात्रा में क्या होनी चाहिए, तापमान की प्राप्ति होनी चाहिए और भयानक रूप से गर्मी होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत आप देखते होंगे 3 जनवरी को हमारे यहां गर्मी नहीं होती बल्कि ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि अभी तक जनवरी तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में है, जनवरी तक सूर्य की किरणें, दिसंबर के बाद जनवरी तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में है, और हम कहां पर हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में। तो निश्चित रूप से 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य सर्वाधिक पास हो, सॉरी
पृथ्वी जब सूर्य के सर्वाधिक समीप होगी तो निश्चित रूप से वहां पर भयानक रूप से गर्मी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों, तो उसका रीजन है क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के समीप तो है लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो अभी भी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध में कब पड़ेंगी? 22 मार्च के बाद, 22 मार्च के बाद और 22 सितंबर के पहले पहले, 22 मार्च के बाद यानी 23 मार्च से 22 सितंबर तक सूर्य की किरणें उत्तर में रहती हैं। बोलिएगा, बात समझ में आ गई? तो ये आपकी पृथ्वी की गति थी, मैंने हर एक पहलू पर चर्चा की है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। देखिएगा प्रत्येक टीचर का एक सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस में मैं ज्वार भाटा जब आपको समझाऊंगा, पेट बैच हो जाएगा जब तक आपका ये, तो जब मैं ज्वार भाटा आपको बैच में पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा क्योंकि वहीं पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हमारे ऑनलाइन बैच से जोड़ने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, एक बार और समझा देता हूं आपको। प्रक्रिया ये है, आपको 9125423936 नंबर पर एसटेट एंट्री लिखकर सेंड कर देना है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रवेश की पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी, एडमिशन दे दिया जाएगा। नंबर बोल रहा हूं एक बार और देखकर, 9125423936। चलिए ठीक ना, तो आज यही रखते हैं, इसके आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद।